हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका आपकी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज बेटा हम लोग चैप्टर 14 उच्च हिमालय सा अभिमान का अध्ययन करेंगे, जो आपकी एक कविता है और ये कविता प्रकाश मनु के द्वारा लिखी गई है। यानी इस कविता के कवि हैं प्रकाश मनु। सो एवरी स्टूडेंट टेक आउट योर हिंदी बुक पामनी पेज नंबर 111 एंड लेट स्टार्ट द रीड। टेक आउट उच्च हिमालय सा अभिमान, ये आपकी कविता है। इसके कवि हैं प्रकाश मनु। कौन है कवि? प्रकाश मनु। देखिए, इस कविता में आपको बताया गया है कि हिमालय जो है वो हमारे देश का गौरव है और हिमालय संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है और हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। ये हमारे देश का क्या है? गौरव है, क्योंकि इसने हमारे देश का बहुत उपकार किया है, यानी बहुत भला किया है। और ये हमारी संस्कृति ने इसे अपना एक आदर्श और प्रेरणा का स्रोत माना है। अब आप देखिए कैसे हमारी संस्कृति इससे प्रेरित होती है, हिमालय कैसे हमारी संस्कृति को प्रेरित करता है, हम इस कविता में पढ़ेंगे। क्लियर बेटा? तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अडिग हिमालय खड़ा हुआ है, आंधी हो या चाहे तूफान, सुना रहा नीले अंबर को भारत की महिमा का ज्ञान। आपका फर्स्ट स्टेंजा है, अडिग हिमालय खड़ा हुआ है, आंधी हो या चाहे तूफान। अडिग यानी बिना डरे हुए, अडिग यानी साहस से, बिना किसी से डरे हुए, अटल दृढ़ संकल्प लेकर हिमालय जो है वो खड़ा हुआ है। उस पर ना तो आंधी का असर है और ना ही किसी तूफान का असर है। क्लियर बेटा फर्स्ट लाइन कि हिमालय बिल्कुल दृढ़ संकल्प धारण करके खड़ा हुआ है, उस पर किसी भी चीज का असर नहीं है। सुना रहा नीले अंबर को भारत की महिमा का ज्ञान। सुना रहा, हिमालय इतना ऊंचा है कि ऐसा लगता है कि जैसे ये ऊपर आसमान को छू रहा है और हम आसमान को भारत की महिमा का गुणगान सुना रहा हो, यानी भारत की महिमा के गुणगान के गीत सुना रहा हो। महिमा यानी भारत का महत्व, भारत का प्रताप, उसके जो गीत हैं, ऐसा लगता है कि हिमालय आसमान को वो गीत सुना रहा है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हिमालय इतना ऊंचा है, उसकी ऊंचाई को देखकर लगता है कि वो बोल रहा है, वो गीत सुना रहा है, भारत की महत्व का भारत की महिमा का गुणगान कर रहा है, उस गुणगान को आसमान को सुना रहा हो। क्लियर बेटा? सेकंड स्टैंडर्ड देखिए, सुनो सुनो यह बता रहा है भारत का गौरव इतिहास, भारत जिसने दुनिया बदली, दिया सभी को शुभ्र उज्जास। सुनो सुनो यह बता रहा है, कवि आगे क्या कहता है कि सुनो यह क्या बता रहा है? ऐसा लगता है कि जैसे यह भारत का गौरव इतिहास, यानी जो ये भारत का इतिहास है ये बहुत ही गौरवान्वित है, यानी जो ये भारत का इतिहास है वो गौरवमयी है। ऐसा लग रहा है कि जो ये भारत की गौरव का वर्णन कर रहा है। भारत जिसने दुनिया बदली, यानी ये हमारा हिंदुस्तान ही है, ये हमारा भारत ही है जिसने इस पूरी दुनिया को बदल दिया और सभी को शुभ्र यानी सफेद, उज्जास का मतलब होता है उजाला, और उसने पूरी दुनिया को, पूरे संसार को एक सफेद उजाला दिया हो, एक सफेद रोशनी दी हो, नया प्रकाश दिया हो। यानी भारत ने ही जो इस संसार में एक अंधकार फैला हुआ था, उस अंधकार को हटाकर एक नई ज्योति दी है। यानी जैसे प्रेम, ज्ञान, परोपकार, ईमानदारी, सच्चाई आदि ऐसे गुण ऐसे हैं, इतने सारे गुण हैं जो पहले भारत से दूसरे देशों ने लिए हैं, पूरे संसार में फैले हैं। भारत में बहुत सारे महापुरुष ऐसे हुए हैं जिनके जीवन से सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, बल्कि पूरे संसार के, पूरे विश्व के लोगों को
उनका महत्व पता चला है, उन्होंने उनके लिए वो प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। क्लियर? इस तरह से भारत ने इस पूरी दुनिया को एक नया उजाला दिया है। नेक्स्ट स्टैंजा है, इसकी गोद में लहराती गंगा की पावन जलधार, सिखलाती है बढ़ो बढ़ो तुम जाओ कभी ना हिम्मत हार। देखिए, इसकी गोद में लहराती, हिमालय की गोद से मतलब हिमालय की गोद में बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन जो गंगा नदी है वो एक प्रमुख नदी है। ऐसा लगता है कि जैसे वे इसकी गोद में बह रही हो। ठीक है, जब हिमालय नदी जो सॉरी जब गंगा नदी हिमालय से गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे गोद से बहकर गुजर रही हो। गंगा की पावन जलधार, पावन यानी पवित्र, जलधार यानी जल की धार, सिखलाती है बढ़ो बढ़ो तुम जाओ कभी ना हिम्मत हार। वो हमें क्या सिखलाती है? हमें सिखलाती है कि हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यानी चाहे हमारी जिंदगी में कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें उन सब का डटकर सामना करना चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे कैसे? जैसे जो गंगा नदी है वो निरंतर बहती रहती है, वो कभी नहीं रुकती, चाहे उसके रास्ते में कितनी भी रुकावटें आए, लेकिन वो क्या है, निरंतर बहती रहती है। सेम हमें भी अपनी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कितने भी कष्ट क्यों ना आए, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें हमेशा उनका सामना करना चाहिए और उनको पार कर कर जिंदगी में हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। समझ आया बच्चों? कभी भी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए। ऑलवेज फेस डिफिकल्टीज, हमें हमेशा मुसीबतों का सामना करना चाहिए। अचीव योर गोल्स, और जहाँ भी हमारा गोल है, जहाँ हमें पहुँचना और वहाँ तक हमें पहुँच जाना चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तो कोई भी चीज़ हमें नहीं रोक सकती। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, आओ भारत की सुंदरता के गाएं हम मिलकर गान, और देश पर रखे सदा ही उच्च हिमालय सा अभिमान। देखिए कभी क्या कहता है, आओ भारत की सुंदरता के गाएं हम मिलकर गान। इसमें कभी प्रकाश मनु कहते हैं कि आओ हम सब मिलकर भारत की सुंदरता के गुणगान गाएं, यानी हम हर जगह पूरी जगह भारत की जो सुंदरता है, भारत के अंदर जो अच्छाइयां हैं, उनका गुणगान करते रहें, भारत की महिमा का बखान करते रहें, और देश पर रखें सदा ही उच्च हिमालय सा अभिमान। और हमें हमेशा अपने देश पर इतना गर्व होना चाहिए। उच्च हिमालय सा अभिमान का मतलब क्या है कि जितना हिमालय ऊंचा है, यानी हमें अपने भारत पर बहुत ही गर्व होना चाहिए, क्योंकि जो भारत ही एक ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया को एक नई रोशनी दी, एक नई किरण दी। समझ आया? हमें हमेशा अपने देश पर गर्व होना चाहिए। एंड हम भारतीय हैं, हमें इस बात का भी गर्व होना चाहिए कि हम इंडियन हैं, वी आर इंडियन, हम भारतीय हैं, हमें इस बात पर भी गर्व होना चाहिए। क्लियर बेटा? तो ये कविता आपकी प्रकाश मनु ने लिखी है, आई होप आप सबको ये समझ में आई होगी। देखिए बेटा, ये आपने जो कविता बन पढ़ी है, इससे आपको क्या मिला है? इससे आपको प्रेरणा मिलती है कि हमें साहसी, संघर्षशील और आत्मविश्वासी होना चाहिए। यानी हमें अपने लाइफ में संघर्ष करना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए और अपने ऊपर हमें हमेशा भरोसा होना चाहिए। क्लियर? कोई चैप्टर है या कोई कविता है, उससे बेटा आपको एक मोरल जरूर मिलता है। एंड चैप्टर अगर कोई पोयम आपको पढ़ाई जाए, कोई पोम आपको पढ़ाई जाए, कोई कविता आपको पढ़ाई जाए, इट मीन्स वो आपको कुछ ना कुछ सिखलाती है। जैसे कविता आपने पढ़ी तो उससे हमें प्रेरणा मिली कि हमें क्या करना चाहिए, लाइफ में हर मुसीबत का डट कर सामना करना चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस वी विल डू इट, हम इसे कर लेंगे। क्लियर बेटा? ओके बेटा, थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बेटा।